हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग करूँगी। जानेंगे आपके डीएम की लाइफ में हो क्या रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में क्या करंट चैलेंज आया हुआ है और आगे चलकर पर्सन क्या एक्शन लेंगे और डिवाइन किस तरह से आपको गाइड करेंगे आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ये जनरल है गाइस रीडिंग, और हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुंचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आप रीडिंग। बैलेंस, वी हैव बैलेंस कार्ड, ट्रायंफ एंड सक्सेस, वाओ, ट्रिपल वन एंजल नंबर स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया है। ओके, दो कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अभी तीन कार्ड हमारे पास आए हैं, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, पावर एंड वी हैव इमोशनल लॉस, नंबर 5 टू टाइम यानी कि 55 मास्टर नंबर, एंड वी हैव ट्रायंफ नंबर 7। तो कुछ कार्ड्स आ गए हमारे पास, 77, 111 और 55, ये कुछ नंबर्स आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी यहाँ पे कैंसर, लियो और लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो बाकी तो देखो गाइस साइंस आ रहे ही होते हैं, ठीक है। मैं साइन पर इतना फोकस नहीं करती हूँ, बस जो मेजर खाना से आते हैं वो आपको बताती हूँ जी। तो आपके पर्सन के लाइफ में देखो बैलेंस बन रहा है, सक्सेस आ रहा है, लेकिन ये जो सक्सेस आ रहा है ना, ये बहुत रुला कर आ रहा है। बीच बीच पे क्या होता है ना कि इनको पेशेंस रखना पड़ जाता है, बीच बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनके विशेस कहीं ना कहीं इनकी विशेस ना पूरी नहीं हो पाती, अटक जाती है, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाता है, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर में टैलेंट नहीं है, या वो कम टैलेंटेड हैं, या उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, सब कुछ है। बट डिवाइन ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन का पेशेंस चेक कर रहे हैं, आपके पर्सन को छोटे छोटे लेसन्स जो होते हैं जिससे चाक्रास बैलेंस होते हैं, इस चीज़ के लिए वो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई है डिवाइन ने, कि बीच बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ ना कुछ रुकावटें या छोटे छोटे टावर मूवमेंट्स डाले हुए हैं, ताकि आपके पर्सन को पेशेंस रखना आए, ताकि आपके पर्सन को सब्र रखना आए, और वो अपना एक जो संयम होता है ना उसको खो ना दें। कुछ इस तरह का लेसन अभी डिवाइन चाहते हैं कि आपके पर्सन सीखें। विश तो इनकी पूरी होके रहेगी, जो भी इनका कारोबार है या जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ पूरी हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ओके, इसी वजह से ये आपको फिर कनेक्शन में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, इमोशनल लॉस फील करते हैं, ठीक है। करियर में जब थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है तो वो स्ट्रेस कुछ ना कुछ आप पर भी उतारने का इनका मन कर जाता है फिर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बहुत अच्छा फील होता है तो अपना चाहिए, अपने हमें आसपास चाहिए, और वो इंसान तो बिल्कुल चाहिए जिससे बहुत प्यार करते हैं। और जब हमें कोई दुख होता है या कोई प्रॉब्लम में होते हैं हम, तब भी हमें अपना ही कोई बहुत आसपास चाहिए, तो आप ही उसके अपने, ठीक है, अगर आप दोनों की बात होती है तो ये आप पे थोड़ा सा स्ट्रेस उतारते हैं या आपसे थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। मतलब ये अपने आप को शांत करने के लिए, अपना थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए आपको दे देते हैं, जिससे कि आप भी काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन है, डिवाइन आप दोनों के ही पेशेंस को कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपका कोई लेसन पेंडिंग है, दैट इज़ वाई इस तरीके से हो रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनो ऐसे में, ना कि हेडेक बनो। ओके, और देखो कनेक्शन में तो विक्ट्री भी आएगी, आपकी सारी विशेज भी पूरी होगी, अच्छा बैलेंस भी बनेगा, सो डोंट वरी। ये सिर्फ टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो डिवाइन ने ला के खड़ी की है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी जैसे ही आप अपना लेसन सीख जाते हैं। सिंपल है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। इतना मत सोचा करो, इतना मत रोया करो, इतना मत परेशान हुआ करो, बस मैनिफेस्ट करो अच्छे से। डरना है नहीं आपने, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका सोल कनेक्शन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, सब अच्छा होगा। ओके, या डिवाइन मैस्कुलिन, ये बिल्कुल समझते हैं कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है,
और सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ इस टाइम. आप दोनों की बॉन्डिंग तो स्ट्रांग दिख रही है, नो डाउट. ओह माय गॉड, डिवाइन फेमिनिन, वी हैव कपल हियर, वी हैव कपल हियर गाइस, कपल कपल, वाओ इंटरेस्टिंग. डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड सोलमेट, सुपर ऑसम रीडिंग. एंड सरेंडिपिटी, कुछ चीज़ें सरेंडिपिटी पर छोड़ी जानी चाहिए बिकॉज कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि डिवाइन की प्लानिंग आपके हाथ में नहीं है. सो जो लेसन आता जा रहा है उसको सीखते जाओ, हील होते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जिए, आप मेच्योर हो जाए, मेच्योरिटी आप में आए, ठीक है. कंपैटिबिलिटी वो देख रहे हैं आप दोनों में, और ये कनेक्शन सिक्योर है. बस थोड़ा सा डिवाइन परखने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों को, अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं. आप एक दूसरे के वेल विशर भी हैं और एक दूसरे का चाहते भी अच्छा ही है. तो इतना ज़्यादा सोचो ना, बस मैनिफेस्ट करते रहो. फिर से यही वाला मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो, और मान क्या रहे हो आप, हो आपको ये यकीन भी हो चुका है, तो डरना नहीं है और मैनिफेस्ट करना है. दो कार्ड आ गए हैं, रिलीज योर एक्स, और तीन कार्ड हैं सेपरेशन एंड एंगेजमेंट. कुछ के केस में हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी बट अब वो रिलीज हो चुकी है. आपकी लाइफ में सेपरेशन है बिकॉज ऑफ डिवाइन प्लानिंग, ठीक है, बट आपकी ये जो रिश्ता है ये एंगेजमेंट तक जाएगा, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक जाएगा, ये चीज यहाँ पर दिख रही है. तो अगर यहाँ एक्स वगैरह का कुछ है तो उसका तो गेम एंड हो चुका है बिल्कुल ही, बट आप अभी भी आप सेपरेशन मोड में हो बिकॉज डिपेंड मतलब एडिक्शंस हैं यहाँ पर थोड़े बहुत. धीरे धीरे हील होंगे ना, धीरे धीरे हील होंगे, एकदम से हीलिंग नहीं हो जाती गाइस. इस चीज को समझने की कोशिश करो. प्लेफुलनेस तभी आएगी जब आप अच्छे से माफ भी करना सीख जाएंगे और सीखेंगे भी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है. ये चीजें आपके लिए आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ के केस में हो सकता है. अब अच्छा, एक्स कौन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्स सिर्फ कोई पर्सन ही हो. एक्स आपका इस पर्सन का कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो काफी टाइम से पेंडिंग था बट अब वो पूरा हो चुका है या होने वाला है बहुत जल्दी, और ये सेपरेशन मोड भी आपका खत्म हो जाएगा. आप दोनों फिर से बात करेंगे बिकॉज ये रिश्ता इंगेजमेंट तक जा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. लेकिन कुछ के केस में अगर एक्स मतलब थर्ड पार्टी थी तो वो तो चली गई है. ये रिलेशनशिप ना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. हेल्थ इस कनेक्शन की इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को काफी फील करने लगे हो और अच्छा मानते हो एक दूसरे को, तो हेल्थ भी हील हो जाएगी और पीस आएगा आपके कनेक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पीस आपके कनेक्शन में आ जाएगा और कोई गिल्ट विल्ट नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है. तो काफी अच्छा टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो, नो डाउट कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में अपने कनेक्शन के लिए. नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, ये देख लेते हैं जल्दी से क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इस कनेक्शन में. एट ऑफ कप्स, थोड़ा सा रिग्रेट या इमोशनल विड्रॉल में है, थोड़े से कंफ्यूज्ड रहेंगे बिकॉज एकदम से तो क्लैरिटी नहीं आ जाती, चैलेंजेस खत्म नहीं हो जाते. सो विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल और थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड एंड पजल्ड, बट जजमेंट मिलेगा, जजमेंट मिल सकता है नेक्स्ट एक्शन में. एंड थ्री ऑफ वॉन्ट्स, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. करियर पर ज्यादा फोकस है, ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस है, अच्छी बात है, यही एक्शन चाहिए. बट आप तो इसके दिल में रहोगे, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, आप इसके दिल में रहोगे और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं ये डिवाइन से, इस कनेक्शन में जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं. ओके, बट ये चाहते हैं कि आप भी अपने एकेडमिक्स में, अपने करियर में आगे बढ़ें और अच्छा करें, ठीक है, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ. तो करंट चैलेंज तो गाइस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डिवाइन परख रहे हैं आप दोनों को इस टाइम, यही आप करंट चैलेंज समझ के बैठे क्योंकि यही आया है इसमें. बाकी तो देखो एफर्ट्स लगा रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के वेल विशर हो, तो चीज़ें तो अच्छी हो जाएगी एट द एंड. अब यहाँ से हम कुछ आंसर्स देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहेंगे. You and I have so much in common. You love me. इस पर्सन को पता है आप इनसे प्यार करते हैं. You are wise and witty. आपको देखो wise कह रहे हैं, witty कह रहे हैं. आप intelligent हो इस पर्सन की नजरों में, mind में. And you are very forgiving. आप बहुत forgiving हैं, kind hearted हैं. ये भी बात जानते हैं आपके partner.
एंड यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन. आप इस पर्सन के रिस्पेक्ट करते हैं. यू ब्रिंग पीस टू मी एंड यू मेक मी स्माइल. वाओ, यू मेक मी स्माइल. और यू ब्रिंग पीस टू मी, ये भी कह रहे हैं कि आप इसकी लाइफ में पीस लेकर आते हैं. तो बहुत अच्छी सोच है आपके पर्सन की आपको लेकर. थोड़े पता है चैलेंज बहुत मेजर नहीं है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अच्छे से काम कीजिए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी और आपके कनेक्शन में और ज़्यादा हार्मनी आ जाएगी. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.